थाने बस अड्डे पर लगा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बुलंदशहर डिपो ने आज रोटरी क्लब बुलंदशहर फ्रेंड्स के सहयोग से पुराना बस अड्डा परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ सहायक पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा ने फीता काटकर किया। निःशुल्क जांच शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता द्विवेदी शर्मा ने परिवहन निगम की बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों की आंखों की जांच की। इस दौरान डिपो के कई डॉक्टरों की आंखों में कमी पाई गई, कुछ की आंखों में रोशनी कम पाई गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह राघव, ARM परमानंद, स्टेशन इंचार्ज राकेश कुमार शर्मा, रोटरी क्लब सूर्य भूषण मित्तल सहित प्रदीप तोमर आदि। यहाँ पे रोडवेज अड्डे पे आना हुआ है, किस उद्देश्य से आना हुआ है आपको यहाँ? ये परमानंद जी है, GRM रोडवेज, इनकी बहुत ही अच्छी पहल है। रोटरी क्लब के सहयोग से इन लोगों ने आज एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया है, जिसमें जितने भी ड्राइवर्स हैं, क्योंकि रोडवेज के जो ड्राइवर होते हैं वो इतने सारे लोगों को डेली लेकर जाते हैं, तो सबकी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इनकी आंखें एकदम ठीक हों, तो इसलिए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया है ताकि ड्राइवर्स की आंखों की जांच हो सके। और मैं इन सभी लोगों को बधाई देती हूँ इतनी अच्छी महत्वपूर्ण।